हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हाला प्ले वर्सेस ड्रीम इलेवन के बारे में, कुछ अच्छे और कुछ बुरे चीज़ के बारे में, जो कि आपको कौन सा जो है खेलना चाहिए, आपका किस में विनिंग चांसेस ज़्यादा है, किस में आप ज़्यादा ग्रैंड लीग और किस में आप ज़्यादा पैसे जीत सकते हो। इस वीडियो में इस तरह की बातें करने वाला हूँ। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को नहीं दबाया तो दबा दीजिए, और एम करते हैं इस वीडियो में 20 लाइक। पिछला एम आपने कम्प्लीट कर दिया था, लेकिन मैंने जो लास्ट एम रखा था उस पर हालांकि नोटिफिकेशन नहीं गया था, तो आपने लाइक कम्प्लीट नहीं किया। प्लीज़ 20 एम का जो है लाइक है, आप इसे कंप्लीट कर दीजिए। तो पहले हम बात करते हैं ड्रीम इलेवन की। तो हम सब लोग जो है ड्रीम इलेवन खेलते हैं, और जो लोग नहीं खेलते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप चाहे तो ड्रीम इलेवन ज्वाइन हो सकते हैं। तो रिफर दोनों पहले हम बात करते हैं, अगर हम स्टार्ट करेंगे रिफर बोनस के साथ, ठीक है। हम बात करते हैं रिफर के साथ, ठीक है। रिफर में आपको जहाँ पे ड्रीम इलेवन हर रिफर पे आपको करीबन जो है 100 रुपया देता है, ठीक है। अगर आप किसी के रिफ़र से ज्वाइन कर सकते हो, आप चाहे तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पे, आप मेरे लिंक से भी ड्रीम इलेवन ज्वाइन कर सकते हो। तो रिफ़र के आपके कितना मिलेंगे, 100 मिलेंगे। कब मिलेंगे, जब भी आप ज्वाइन करोगे तभी रिफ़र से, ठीक है। तो ये आपको ज्वाइन मिलेंगे सिर्फ ये एप्लीकेशन में ही अवेलेबल है, आप चाहें तो ऐप में ही कर सकते हैं, लेकिन वेब में जो है ड्रीम इलेवन पर आपको ये बेनिफिकेशन नहीं मिलता। उसी तरह यहाँ पर जो हाला प्ले है, हाला प्ले आपको जो है 150 रुपीज़ दे रहा है अभी, ठीक है। 150 रुपीज़ आपको दे रहा है रिफ़र के साथ, लेकिन साथ में कंडीशन है आपको पैन कार्ड वेरीफाई करने के बाद ही जो है आपको रिफ़र बोनस मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ और बता दूँ, तो पैन कार्ड वेरीफाई करने के बाद ही आपको जो है रिफ़र बोनस मिलेगा ड्रीम इलेवन पे, लेकिन आपको जो है बहुत ही ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। 50 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, प्लस और भी इसमें ऐड होते रहेंगे आप जैसे जैसे खेलोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये रहा रिफ़र बोनस की बात, इसमें इतना मिलता है और इसमें इतना मिलता है। जो बोनस रिफ़र बोनस मिलता है आप इसमें भी सिर्फ और सिर्फ 10 मेंबर लीग के ऊपर ज्वाइन कर सकते हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप ग्रैंड लीग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। दोनों में से सेम कंडीशन है दोनों टीम के। तो अब हम बात करते हैं दूसरे चीज़ के बारे में, अब हम बात करते हैं फ्री एंट्री के बारे में, ठीक है। तो दोनों ही टीम जो है कभी कभी फ्री एंट्री देता है, लेकिन हाला प्ले जो है फ्री एंट्री जो है लगभग हर दूसरे मैच पे देता है, हर सेकेंड मैच पे फ्री एंट्री देता है। वहीं ड्रीम इलेवन बहुत ही कम जो है फ्री एंट्री प्रोवाइड करता है, बहुत ही कम, ठीक है। तो इस तरह से जो पॉइंट है वो हाला प्ले का जो है स्कोर जो हो गया है 2 हो गया है हाला प्ले का, और इसका अभी तक जो है 0 है, ठीक है। तो हाला प्ले मैं पहले भी खेलता था, लेकिन हालांकि जो वेबसाइट, जब से वेबसाइट पे जो ये पहले वेबसाइट पे चल रहा था, ठीक है, तो बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था खेलने में, कभी कभी साइट ओपन होता था, कभी कभी नहीं होता था, तो इसलिए मैंने इसे खेलना जो है बंद कर दिया था। लेकिन अभी अभी पिछले कुछ दिनों में इन्होंने जो है अपना जो है ऐप लॉन्च किया है, जैसा कि आप देख सकते हो, कुछ ऐप इस तरह का ऐप जो है उन्होंने लॉन्च कर दिया है। तो अब हम और बात करते हैं इसके बारे में, इसके हम बात करते हैं विनिंग चांसेस के, ठीक है। अगर आप ये वाला लीग खेल रहे हो तो आपको जो विनिंग चांसेस जो है लगभग आपके 30% रहते हैं, ठीक है। और अगर आप ये लीग खेलोगे तो आपका विनिंग चांसेस हमेशा 60% रहेंगे। किसके लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई भी प्लेयर जो है मिस नहीं होने वाला है, ठीक है। इसमें मिस होने के चांसेस जो है 50% हमेशा रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप डेडलाइन पार होने के बाद जो है आप प्लेयर को एडिट कर सकते हो, डेडलाइन के बाद भी एडिट आप कर सकते हो, यहाँ पर आप एडिट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी हाला प्ले बिल्कुल आगे है, लेकिन हम बात करते हैं पॉपुलरिटी की, दोनों टीम में से कौन ज़्यादा पॉपुलर है। ड्रीम इलेवन जो है लगभग जो है 90% लोग खेलते हैं, वहीं पे जो है करीबन जो है 60% लोग हाला प्ले खेलते हैं, ठीक है। तो पॉपुलर बिल्कुल ड्रीम इलेवन पॉपुलर है, दोनों ही टीम जो है दोनों ही ऐप जो है बहुत ही वेरीफाइड है, बहुत ही ट्रस्टेबल है दोनों ही ऐप जो है पेमेंट देती है, आपका कोई भी पेमेंट कभी रोक के नहीं रखेगी, ठीक है।
तो इन दोनों में से इन दोनों बहुत ही अच्छे हैं। और तीसरा बात रहा जो कि इसमें आप बहुत ही रिफर अर्न से आप इसमें बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हो, ठीक है। और ड्रीम इलेवन के हिसाब से ड्रीम इलेवन पर आप सिर्फ 100 ही अर्न कर सकते हो, ठीक है, एक रिफर के। लेकिन हाला प्ले में आप उससे ज़्यादा अर्न कर सकते हो रिफ़र करके। तो अगर आपने अभी तक दोनों में से कोई ऐप जो है इंस्टॉल नहीं किया है, ठीक है, अगर आपने नहीं खेला है, खेलना स्टार्ट कर दीजिए। आप इसमें बहुत ही अच्छा विन कर सकते हो, जैसा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में मेरी विनिंग या ग्रैंड लीग किस में ज़्यादा अच्छा होता है खेलने के लिए, मैं सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन मैं उससे पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसमें रिवर्स हाला पहले में एक रिवर्स लीग होता है, ठीक है, रिवर्स लीग होता है, जिससे क्या होता है, अगर आपका जो ख़राब प्लेयर, अगर आप चूज़ करोगे, सारे ख़राब प्लेयर चूज़ करोगे, तो तब भी आप इसमें जीत सकते हो, जिसे रिवर्स फैंटेसी लीग कहते हैं, ठीक है। हालांकि ड्रीम इलेवन पे वो अभी नहीं है। तो फ्रेंड यही कुछ डिफरेंस था दोनों टीमों में से, ठीक है, कौन सा बेटर है आप ये डिसाइड कीजिए। क्योंकि ड्रीम इलेवन जो है हम लोगों का जो है नई हैबिट हो गया है खेलने का। तो हालांकि दोनों का जो पॉइंट सिस्टम है वो थोड़ा अलग है। पॉइंट सिस्टम के बारे में मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, पॉइंट सिस्टम के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। पॉइंट सिस्टम ड्रीम इलेवन पे आपको समझ लीजिए मैं T20 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं समझ लीजिए मैं वनडे की बात कर रहा हूँ, तब आप लोग को ज़्यादा डिटेल्स समझ आ गया। वनडे में एक रन का यहाँ पे एक पॉइंट मिलता है, सॉरी, वनडे में जो ड्रीम इलेवन पे अगर कोई बैट्समैन एक रन करता है तो आपको वहाँ पे 0.5 पॉइंट मिलता है, वही हाला प्ले में 1 पॉइंट मिलता है। अगर कोई बॉलर विकेट लेता है वनडे में यहाँ पे, तो यहाँ पे 12 पॉइंट मिलता है, और यहाँ पे जो है 20 पॉइंट मिलता है। वहीं पे अगर कोई प्लेयर खेलता है तो यहाँ पे 2 पॉइंट मिलता है, और यहाँ पे आई थिंक 3 मिलता है या 4 मिलता है, शायद 3 या 4 मिलता है, मुझे अभी थोड़ा समझ मैं थोड़ा भूल गया हूँ, 3 या 4 प्लेयर मिलते हैं। तो प्लेयर का पॉइंट की भी थोड़ी जो है वो जो है थोड़ा अलग है। तो फ्रेंड आप डिसाइड कर सकते हो आप कौन सा मैच खेलना चाहते हो, नहीं खेलना चाहते हो। और मिलते हैं अगले वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है मेरा विनिंग शो कराऊंगा हाला प्ले की, जो कि मैंने रिसेंटली खेला है, और मैंने ग्रैंड लीग भी खेला था जिसमें मैंने अच्छा खासा विन कर लिया था, तो मैं उसके भी आपको प्रूफ दिखाऊंगा। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में।